thank you to start understanding my country. It was like जैसे कमल होता है उसमें कभी एक धागा कोने में मिल जाता है तो उस धागे को पकड़ के आप पूरे कमल को खोल सकते हो. वैसे मेरे लिए ये जो आइडिया था मेरे लिए ये था, मैं अपने देश को समझना चाहता था. और ये मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिला कि दुनिया में ऐसा भी एक देश है और भाई और बहनों सिर्फ एक देश है, दो नहीं है, सिर्फ एक देश है दुनिया में. मैंने पढ़ा इसके बारे में और फिर मैंने देखा कि जापान में सालों पहले यह आइडिया हुआ करता था, मगर आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है जो जिसमें लोग कहते हैं कि मैं कुत्ते को छू लूंगा कॉकरोच को मार दूंगा मगर मैं इंसान को नहीं छूने वाला हूं. और मैं देखिए मैं एक तरफ तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है, मगर शायद पता नहीं मैंने अपने परदादा की किताब पढ़ी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो मेरे दिमाग में यह आ गया कि मैं इस बात को समझना चाहता हूं यह होता क्यों है, व्हाई एग्जैक्टली डज दिस हैपन. एंड आई हैव स्टडीड इट नाउ सर्टनली सिंस आई वॉज इन पॉलिटिक्स फ्रॉम 2004 टू टुडे. It's been in the back of my mind. What is this? What is this? Why is this happening? Why is this happening? I cannot answer the question for you fully. I cannot tell you that, look, this is the precise reason it happens. But I have a sense now, much better than I used to before, that this is actually what is going on inside the person's mind. When he says, I will refuse to touch you. I want to tell you, as you go along in politics, and especially if you're searching, see, there are many politicians who are just interested in power, that is the only thing they're searching for. Right? Subah uthte hain, kehte bhaiya satta kaise milegi? Raat tak matlab wohi karte hain, phir so jaate hain, phir kehte bhaiya agle din uthke kehte hain satta kaise milegi? Hain. और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं. अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई. अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में. और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है. अब क्यों, अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं, मैं रात को सोता हूं अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं प्यारे देश से. इसीलिए मैं जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है वो उसको समझना चाहता है, तो सुबह उठता मैं समझने की कोशिश करता हूं. और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं. नहीं नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया. तो मैं मेरे सुनो 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 मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है. और मैं सुबह उठकर कहता हूं
कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा ने, हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं। कभी आपको सीखने के लिए रास्ते पर इंसिडेंट्स होते हैं, कहानियां देखने को मिलती हैं। आज मैं आपको दो तीन कहानी बताता हूं। पहली कहानी आप सबको मालूम होगा, याद होगा कि एक दिन व्हाट्सएप पे वीडियो देखा जिसपे ऊना में युवाओं को लाठी से पीटा जा रहा था, याद है आपको, नंगा करके सबके सामने लाठी से उनको धड़ाधड़ 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 मारा जा रहा था। एक आदमी को नहीं पीट रहा था, एक झुंड पिटाई कर रहा था, याद है आपको। सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट वॉज द डे मी एंड माई फ्रेंड्स एंड मी वेंट एंड बीट अप अ मुस्लिम बॉय। मतलब हम, सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया, संस्कार है, मगर दिल में अंदर जब मैं बोलने वाला था रुकावट आई, कहा ना मत बोलो जी, मत बोलो, मगर मैंने कहा चलो संस्कार है, बोल देते, बोल दिया। एक झुंड 10-15-20 लोग कमजोर दलित व्यक्तियों को लाठी से मारते हैं, मैंने देखा। मैंने एक और बात देखी कि एक तरफा था, चांस ही नहीं था। जैसे अब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, रूस ने सोचा कि दबा देंगे मगर लड़ाई हो गई, दोनों तरफ लड़ाई हुई, वैसी बात नहीं थी। एक तरफ झुंड, दूसरे तरफ कमजोर लोग और कोई चांस नहीं। मैं गया, ज्यादा लंबा तो नहीं जा रहा हूं, मैं ऊना गया और चारपाई पे जाके उनमें से एक लड़कों के घर गया और
उनके पिता के साथ मैं चारपाई पे बैठा और उनका मैंने ऐसे हाथ पकड़ा और उनका हाथ कांप रहा था, मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर, हाथ कांप रहा था, डरे हुए थे। जैसे ये मीडिया है वैसे थोड़ा दूर मीडिया था, मैंने उनके डर को छुपाने के लिए मैं मीडिया के सामने आ गया और उनको थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया कि मीडिया को ना दिखे कि इनका हाथ कांप रहा है। यह बात राजनीति में करनी पड़ती है, डर छुपाना पड़ता है उनका। मैंने उनसे कहा आज आपको बहुत दुख हुआ होगा, मैं आपके साथ यहां खड़ा होने के लिए आया हूं। कहते हां, बहुत दुख हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि ऐसे देश में मैं रह नहीं सकता हूं। मैंने बात सुनी, फिर मुझे कहते हैं राहुल जी मगर खुशी भी हुई। मैंने कहा खुशी हुई, खुशी किस बात की? कहते राहुल जी पहली बार दलितों ने रिस्पॉन्स दिया। नहीं अभी आप ताली बजा रहे हैं, ताली मत बजाइए, पूरी बात सुनिए पहले, शायद आपको अच्छी ना लगे मगर मैं जो मैंने देखा वो बोल रहा हूं। कहते हैं खुशी इस बात की हुई राहुल जी कि जब मेरे बेटे को मारा गया उसके एकदम बाद 10-11 युवाओं ने इंसेक्टिसाइड पीकर आत्महत्या कर दी। मैं बिल्कुल चौंक गया, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं? रिस्पॉन्स आत्महत्या का रिस्पॉन्स कि मैंने अपने आप को मार दिया। मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, जैसे मैंने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैं समझना चाहता था। उस टाइम अलंकार थे मेरे साथ, मैंने कहा अलंकार ये जो 12 लोगों ने आत्महत्या की ये क्या सब मर गए? चेक करो, पता लगा मरे नहीं, जिंदा थे। मैंने कहा कहां है? अस्पताल में है, यहां से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, जाके समझते हैं कि ये जिसको ये दलितों का रिस्पॉन्स कह रहे हैं ये है क्या, हुआ क्या। गाड़ी में गए, आईसीयू में पहुंचा, आईसीयू में एक लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसी लाइन लगी थी। पहले वाले के पास उसका परिवार, दूसरे वाले के पास परिवार, पलंग पे ऐसे खड़ा हुआ, कांपता हुआ, डरा हुआ। जो व्यक्ति हमें भोजन देता वो आज आईसीयू में मौत के सामने। मैं पहले परिवार के पास गया, नमस्ते की और मैंने पूछा कैसा है लड़का। परिवार को कोई माल कुछ मालूम नहीं था। डॉक्टर को मैं साइड में ले गई, डॉक्टर से मैंने कहा अंग्रेजी में क्योंकि मैं उनको समझना है। मैंने कहा डॉक्टर व्हाट इज हिज कंडीशन लाइक? डॉक्टर मेरे कान में कहता है ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, बचेगा नहीं।
अब मैं क्या करूं, परिवार को तो ये कह नहीं सकता, मगर मुझे मालूम है कि ये बेचारा युवा जो है ये बचेगा नहीं। दूसरे पर दूसरे के पास गया, डॉक्टर ने सेम चीज कही। तीसरे के पास गया, डॉक्टर ने सेम चीज कही कि बचेगा नहीं। मैंने सोचा कहां गया मैं। चौथे के पास गया, डॉक्टर कहता है ये बच जाएगा। बड़ी खुशी हुई मुझे, चलो ये तो बच जाएगा, मगर वो होश में नहीं था। उसके पास वाला जो लड़का था वो थोड़ा होश में था। मैंने डॉक्टर से पूछा ये बचेगा, कहते ये बचेगा। फिर मैंने कहा, थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गई मुझे, मैंने कहा भैया ये बाकी बचेंगे? डॉक्टर कहते मुझे लगता है कि ये सब बच जाएंगे। खुशी आई, जिसके पास जो होश में था मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा कैसे हो, कहता है मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा किस बात का, कहता है जब मैंने व्हाट्सएप देखा कि मेरे भाई को एक तरफा कुत्ते जैसे मारा जा रहा है, मैं उसको सह नहीं पाया, मैं सह नहीं पाया। मैंने कहा क्या किया, कहता है मैं गया अपने घर में, गया इंसेक्टिसाइड की बोतल मैंने उठाई, इंसेक्टिसाइड पी, उसके बाद में यहां जगा, आत्महत्या करने की कोशिश। हाथ पकड़ा उसका मैंने, मैंने उसको कहा तुम अब बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बच जाओगे, घबराओ मत, जो भी मदद हम आपकी कर सकते हैं हम करेंगे। अगले लड़के के पास गया, पूछा भाई क्या हुआ। जब मैंने वो व्हाट्सएप देखा मेरे दिल में तूफान आया कि मेरे भाई को एक तरफा पीटा जा रहा है, उसके खिलाफ हिंसा की जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, और वही हिंसा हर रोज मेरे खिलाफ होती है। तो जब मैंने वो व्हाट्सएप देखा मैं अपने घर के पीछे गया, मैंने इंसेक्टिसाइड उठाई, मैंने इंसेक्टिसाइड पी और मैं यहां जगा। उस समय तक मैंने सोचा था कि ये सुइसाइड पैक्ट था, मैंने सोचा था कि ये 10-12 लोग एक साथ मिलकर इंसेक्टिसाइड पिए, मगर मुझे बात समझ आई कि नहीं, ये सुइसाइड पैक्ट नहीं था, ये हर दिल के अंदर आग जल रही थी, हर दिल के अंदर केरोसिन थी और उस पर चिंगारी जैसे लगी वो 12 अलग अलग जगह आग लग गई। अगले लड़के के पास गया, मैंने कहा ये थोड़ा होश में था, मैंने कहा क्या हुआ, तुम यहां कैसे आए? सेम जवाब, राहुल जी मैंने व्हाट्सएप देखा, मेरे देश में मेरे खिलाफ हर रोज ये होता है, सह नहीं पाया, इंसेक्टिसाइड पी ली। हर बार मुझे कहे घर के पीछे गया और इंसेक्टिसाइड, घर के पीछे क्यों, घर के पीछे क्यों इंसेक्टिसाइड? जैसे मैं ये सोच रहा था मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया है, बड़ी अजीब सी बात, कहने से झिझक रहा हूं।
मेरे दिमाग में आई कि अगर मैं इसके इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। मैंने कहा, मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरी बहन को किसी ने बांध कर कुत्ते जैसे मारा होता तो मैं आत्महत्या करने से पहले उसको एक चाकू तो मार दे। अच्छा, मेरे पिता को मारा गया और मैंने वो नहीं किया, मेरे दिल में मेरे पिता के हथियारों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, मगर जब अस्पताल में था मैंने सोचा कि यार अगर मेरे साथ ये होता मैं मार देता। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम अखबार पढ़ते हो? कहता है हां। मैंने कहा अपने अखबार में जिसने मारा उसका नाम पढ़ा, आप उसका नाम पता लगा सकते हो? कहते हां पता तो लगा सकता हूं। मैंने उससे कहा आपके रसोई में छुरी है? कहते हां छुरी तो है, ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा मेरे दिमाग में एक बात आई। कहता क्या? मैंने कहा अगर मैं आपकी जगह होता और मैं अपने आप को लाश बनाने के लिए तैयार होता, आत्महत्या करने के लिए तैयार होता, तो आत्महत्या करने से पहले पता लगाता ये कौन है जिसने मेरे भाई को मारा, रसोई से चाकू निकालता, बस में जाता, उसके घर जाता, छाती में छुरा मार देता। उसका चेहरा सफेद हो गया, मुझे कहता है ये आपने क्या कह दिया, ये आपने क्या कह दिया? मैंने कहा क्या कहा? अगर मेरी बहन को कोई इस प्रकार मारता मैं उसको मार देता। मुझे कहता है राहुल जी आप बात नहीं समझे क्या? आप इतने विद्वान, आप क्या बात नहीं समझे? नहीं, क्या क्या बात? कहता आपको यह नहीं मालूम कि अगर मैं उसको मार देता तो मैं फिर से दलित पैदा हो जाता? मैं हिल गया। मैंने कि ये क्या बोला? कहते राहुल जी मैं तो मार ही नहीं सकता। अगर मैं मार दूंगा मैं फिर से दलित पैदा हो जाऊंगा। मैं चौंक गया और मुझे बात समझ आई। मैंने सोचा कि इस व्यक्ति के कंधे पे हजारों जिंदगी का बोझ है, हजारों लाखों जिंदगियों का बोझ उसके कंधे पे है, वो उस बोझ को उतार नहीं पा रहा है, इसलिए कह रहा है कि मैं मार नहीं पाऊंगा। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी, कुछ दिन पहले मैं बीजेपी के एक पार्लियामेंट हाउस में सीनियर नेता से मिला, बातचीत हुई, डाइट की बात कर रहा था, एक्सरसाइज की बात कर रहा था, और मैंने उनसे सवाल पूछा क्या आप पूर्ण जन्म में बिलीव करते हो? बीजेपी के नेता, क्या आप पूर्ण जन्म में बिलीव करते हो? कहता है मैं तो नहीं करता।
तो फिर मैंने कहा अगर आप पुनः जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो। चौंक गया, कहते बात तो सही है, बाहर किसी को मत बता दियो। बाहर किसी को मत बता देना। तो आज हो क्या रहा है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का हथियार है, मगर इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं। फिर से सुनिए, इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। हम यहां कॉन्स्टिट्यूशन लिए घूम रहे हैं, आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है। इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। और ये कोई नया आक्रमण नहीं है, ये आक्रमण उस दिन शुरू हुआ जब महात्मा गांधी की छाती में 3 गोलियां डाली गई थी। अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया, और इसलिए आज हमने वहां फोटो के सामने फूल रखे, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमें हथियार दिया, मगर आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो जैसे गाड़ी है, गाड़ी बहुत सुंदर है, गाड़ी में आपको जयपुर जाना है, गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, 4 लोगों को जयपुर जाना है और ड्राइवर आगरा जाना चाहता है, बात समझ आई? गाड़ी में 5 लोग, डेमोक्रेसी, 4 लोग कहते हैं भाई हमें जाना आगरा, ड्राइवर कहता है मैं जा रहा हूं जयपुर। ये हो रहा है, ये हो रहा है, और किया कैसे जा रहा है, मीडिया को कंट्रोल करके, 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज पे बता रहा हूं, अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता, मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए,
बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया, कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई